सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और हम हैं अभी फ़िलहाल यहाँ कश्मीर में। और आज सुबह ही हम आए थे लाल चौक श्रीनगर से यहाँ गुलमर्ग में, जो कि कश्मीर की एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और टूरिस्टों की पहली पसंद भी। तो सबसे पहले तो बढ़िया सी कॉफ़ी पीते हैं और बाद में आराम से घूमेंगे वहाँ। सर्द मौसम में बढ़िया सी गरम गरम कॉफ़ी हो चुकी है और आइए अब हम आपको घुमाते हैं गुलमर्ग। और अभी यहाँ पर गाड़ियों की काफ़ी आवाजाही शुरू हो चुकी है क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर अभी धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा क्राउड देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर आसपास लोग ही लोग दिखाई देंगे। तो यार गाड़ियाँ भी काफ़ी आ रही है और थोड़ा संभल कर चलना पड़ रहा है यहाँ पर। और रोड पर ये जो आप पानी देख रहे हो ना, ये एक्चुअली जो मॉर्निंग में ओस होती है ना, वो ओस की बूंदें फ्रीज होने से यहाँ पर बर्फ़ की एक लेयर सी बन जाती है रास्ते पर। और अभी धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये जो लेयर है ना ये पिघलती जाएगी, तो थोड़ा सा यहाँ पर चलने में आसानी हो जाएगी। तो अभी तो बढ़िया सी धूप खिली है पर उसके बावजूद यहाँ पर थोड़ी बहुत फिसलन तो है ही और यहाँ पर लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लग रही है। काफ़ी लोग यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं तो धीरे धीरे अभी स्नो एक्टिविटी भी शुरू हो जाएगी। जब मैं यहाँ पे मॉर्निंग में आया था ना, उस वक्त यहाँ पर आसपास बहुत सारे लोग फिसल कर गिर रहे थे क्योंकि बर्फ़ काफ़ी हार्ड थी। और मैं खुद यहाँ पर जब गंडोला की ओर जा रहा था उस टाइम पे 8 से 9 बार गिराऊँगा। वैसे आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ, पर सही में बहुत फिसलन थी और लोग गिर रहे थे और गाड़ियाँ भी स्कीड हो रही थी क्योंकि ब्रेक सही से लगते नहीं है और रास्ते पर फिसलन ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा बहुत रिस्क भी रहता है, तो काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। और मैं जो अभी आपसे बात करने जा रहा हूँ ना, उस बात को थोड़ा सा ध्यान देख के सुनना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए। और ये फिर से जाम लग गया यहाँ पर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं क्योंकि लोगों का आना यहाँ पर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देखो विंटर में स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए ना पूरे देश भर से लोग यहाँ पर गुलमर्ग और सोनमर्ग में आते हैं, जिसमें कई लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं, फुल मज़े करते हैं यहाँ पर और पूरे मस्ती में रहते हैं और अपनी कश्मीर की ट्रिप को काफ़ी एंजॉय करते हैं। बट विंटर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं और उन प्रॉब्लम्स की वजह से कई लोगों की ट्रिप स्पॉइल हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, ख़राब हो जाती है। उनमें से ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो कुछ गिनती के दिनों के लिए यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आते हैं। देखो पहली प्रॉब्लम तो पंजाब और जम्मू के बॉर्डर पर आते ही शुरू हो जाती है। जैसे कि आपने कई वीडियो में देखा होगा जिसमें आपको बताया गया होगा कि अगर आपके पास अगर प्रीपेड कार्ड है तो वो कार्ड काम नहीं करेंगे और आप किसी से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। एक तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। और कश्मीर में नया सिम लेने के लिए आपको यहाँ के किसी लोकल का रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक तो ये हो गया। और दूसरा प्रॉब्लम है होटल। विंटर में अगर आप गुलमर्ग और सोनमर्ग में रुकना चाहते हो, वैसे होटल्स तो बहुत सारे हैं यहाँ पर गुलमर्ग और सोनमर्ग में, पर ज़्यादातर लोग यहाँ पर स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए आते हैं। उसमें से कई लोग यहाँ पर गुलमर्ग और सोनमर्ग में रुकना चाहते हैं, पर प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब आपको होटल काफ़ी कॉस्टली मिलती है क्योंकि गुलमर्ग और सोनमर्ग में जो होटल रेट है ना, वो 3,500 से लेकर 5,000, 10,000, 15, 20, 25 इस तरह से काफ़ी कॉस्टली होते हैं। अभी आप प्लानिंग करके आए हो 3-4 दिन का और ऐसे में विंटर में यहाँ पर हैवी स्नोफॉल होने से कभी कभार रास्ते क्लोज हो जाते हैं, कहीं पर लैंडस्लाइड भी होती है और कुछ हादसे भी होते रहते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर आप कुछ दिन फंस भी सकते हैं। और वेदर सही ना होने से फ्लाइट भी बंद रहती है, तो वैसे में आपकी कॉस्ट जो है ना वो काफ़ी बढ़ जाती है और आपका बजट आपके हाथ से बाहर चला जाता है। और वैसे भी यहाँ पर गुलमर्ग और सोनमर्ग में होटल्स कैंप भी ज़्यादा होते हैं, सस्ते रूम भी आपको महंगे में पकड़ा देंगे क्योंकि कश्मीर पूरा टूरिज्म पर चलता है और यही इनके लिए बेस्ट टाइम होता है कमाई का। तो मेरी बात मानो ना, तो मैं आपको एक बेस्ट वे दिखाता हूँ। आप ना गुलमर्ग और सोनमर्ग में रुकने से बेटर है आप श्रीनगर में ही रुको क्योंकि आपको वहाँ पर बजट होटल्स तो मिल जाएगी। और जब भी आपका मन करे ना सोनमर्ग और गुलमर्ग में घूमने का, तो श्रीनगर से आपको ढेरों ऑप्शन मिल जाएंगे, तो ये आपके लिए बेस्ट तरीका रहेगा यहाँ पर घूमने के लिए। और हाँ, हमेशा 1-2 दिन या तो 2-3 दिन तो एक्स्ट्रा लेके चलना है।
ताकि आप अगर कश्मीर में फंसते हो ना तो आपकी ट्रिप ख़राब नहीं होगी। और रही बात हमारी, तो हम तो यहाँ पर 20-21 दिन के लिए है, तो हमारी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, और वैसे भी अब काफ़ी लोग यहाँ पर जानते हो गए, तो ऐसा कोई इश्यू है नहीं हमारे साथ। और हाँ, मेडिसिन हमेशा ही रखना अपने साथ, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। अभी अवेलेबल नहीं है सर जी, आप सेपरेट आइटम्स लीजिए। आप कश्मीर दमाल है, पनीर बटर मसाला है, वाजा पनीर है, कश्मीरी पुलाव है, रोटी है। तो खाना पीना भी हो गया, और वैसे भी चलते चलते काफ़ी थक भी गए थे। तो सबसे पहले तो आप ये व्यू देखो, और लोग काफ़ी मज़े कर रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद मैं आपको ले जाता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब जगह पर, जो कि गुलमर्ग की बेस्ट जगह में से एक है। तो सामने दिख रही है वह जगह, और हमें वहाँ पर पहुँचना होगा, थोड़ी सी और चढ़ाई करनी पड़ेगी यहाँ से। उसके बाद मैं उस जगह के बारे में कुछ रोचक बातें बताता हूँ मैं आपको, और वहाँ से मैं गुलमर्ग का व्यू भी दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ से गुलमर्ग के बहुत ही खूबसूरत व्यूज दिखते हैं। तो भाई हम आ चुके उस स्पॉट पर, और एंटर करते हैं अभी। तो ये है टेंपल हिंदू गॉड शंकर भगवान का। तो इस टेंपल को देख के पता नहीं आपको कुछ याद आया भी या नहीं, पर मैं आपको रिमाइंड करूंगा, शायद आपको कुछ याद आ जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही फेमस टेंपल है शंकर भगवान का, जो कि यहाँ गुलमर्ग में है। और जिन लोगों को इस टेंपल के बारे में पता है, वो लोग यहाँ गुलमर्ग में इस टेंपल पर आए बिना नहीं रहते। तो आइए अभी आपको इस टेंपल के शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। तो ये है शिवलिंग, और इस टेंपल की रोचक बात बताऊं मैं आपको, जो लोग धर्म धर्म और जात जात करते हैं ना, वो इस बात को गौर से सुने। ये जो टेंपल है ना, जब से बना है तब से लेकर आज तक इस टेंपल का पुजारी एक मुसलमान है, और इस टेंपल की देखरेख मुसलमान ही करता है, और यही हमारी इंडिया की खूबसूरती की पहचान है। तो आपस में प्यार मोहब्बत इसी तरह से बनाए रखना। तो अभी इस स्पॉट के बारे में बात करूँ तो इस स्पॉट्स के आसपास के व्यूज और इस टेंपल को आपने ऑलरेडी पहले भी आपने देखा है। एक बॉलीवुड का मशहूर गाना आया था, जो कि मुमताज और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था, शायद अभी आपको याद आ गई होगी ये जगह। क्यों पीट रहा सर उस चौखट पर जिसे समय की सीमा लांघ गई, क्यों पीट रहा सर उस चौखट पर जिसे समय की सीमा लांघ गई। रुकना है रुक पर याद रहे, ठहरेगा कोई साथ। जो राह निकल कर गया समय वो राह कहां दोहराता है, जो राह निकल कर गया समय वो राह कहां दोहराता है। जो आज है वो कल क्या होगा, ये वही समय बतलाता है। जो भी है चलता जाता है, जो भी है चलता जाता है। क्यों कहूं कि उड़ता वो पंछी बस तिनके लेकर आता है,
क्यों कहूं कि उड़ता वह पंछी बस तिनके लेकर जाता है। मैं तो कहता हर रोज सुबह सूरज से मिलकर आता है। उन्नति का कारोबार सदा सपनों के दम पर चलता है। उन्नति का कारोबार सदा सपनों के दम पर चलता है। बीज लगे जैसा दिल पर फल वैसा लगता जाता है। जो भी है चलता जाता है, जो भी है चलता जाता है। है सुना कभी वो विश्व कहीं ना ध्वस्त हुआ या बना नहीं? है सुना कभी वो विश्व कहीं ना ध्वस्त हुआ या बना नहीं? सागर थामे ये पर्वत भी क्या कभी जगह से हिला नहीं? निर्माण नाश स्तंभ टिकी परिवर्तन की अपनी गाथा है। निर्माण नाश स्तंभ टिकी परिवर्तन की अपनी गाथा है। ना रुका कभी ना रुक सकता, ना रुका कभी ना रुक सकता। जो भी है चलता जाता है, जो भी है चलता जाता है। क्यों पीट रहा सर उस चौखट पर जिसे समय की सीमा लांघ गई। रुकना है रुक पर याद रहे, ठहरे का कोई साथ नहीं। जो राह निकल कर गया समय वह राह कहां दोहराता है। जो आज है वो कल क्या होगा ये वही समय बतलाता है। जो भी है चलता जाता है, जो भी है चलता जाता है।